नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं बोल के सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं खास खबर की ओर। आपको बता दें कि शहरी निकायों के चुनाव नजदीक आ रहे हैं। इसी को लेकर के शहरी निकायों के चुनाव में एक बार फिर सचिन पायलट का विरोध दरकिनार कर दिया गया। राजस्थान में क्या फॉर्मूला रहेगा, आइए जानते हैं खास रिपोर्ट से। शहरी निकायों के चुनाव में गैर पार्षद के बीच निकाय प्रमुख बनने का हाइब्रिड फॉर्मूला जस का तस लगा हुआ है। गत निकायों को तत्कालीन डिप्टी सीएम और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट ने इसको गलत करार देते हुए चुने हुए जनप्रतिनिधियों के हित में कुठाराघात बताया है। पायलट ने इस प्रावधान के औचित्य पर गंभीर सवाल भी उठाए। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि नगर निगम चुनाव में हाइब्रिड फॉर्मूले का प्रावधान लागू है। धारीवाल ने साफ तौर पर इशारा कर दिया कि इस मसले पर पायलट के विरोध के कोई मायने नहीं है। गलत निकाय चुनाव में हाइब्रिड फॉर्मूले पर पायलट ने विरोध का झंडा दिखाया था। उस वक्त झुंझुनू की मंडावा और नागौर की खींवसर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव थे। सचिन पायलट ने झुंझुनू में चुनावी रैली के बाद निगम चुनाव में हाइब्रिड फॉर्मूले पर तल्ख तेवर दिखाते हुए बयान दिया था। उसके बाद कांग्रेस के अंदरूनी सियासत गर्मा गई। दौसा जिले से बड़ी खबर सामने आई। आपको बता दूं कि दौसा जिले के बांदीकुई नगर पालिका के 40 वार्डों में लॉटरी निकाली गई है। जी हाँ, 40 वार्डों में लॉटरी निकाली गई। आपको बता दूं, वार्ड संख्या 5, 14, 30, 25, 26, 28, 30, 31, 34, 35, 37, 39, 40 रहेंगे सामान्य। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा, 5, 14, 23, 25, 26, 28, 30, 31, 34, 35, 37, 39 व 40 रहेंगे सामान्य। साथ ही वार्ड संख्या 36, 16, 29, 15, 38, 3 व 22 रहेंगे सामान्य महिला। साथ ही आपको बता दूं कि वार्ड संख्या 2, 6, 13, 24, 32 रहेंगे ओबीसी के लिए। साथ ही वार्ड संख्या 4 व 33 रहेंगे ओबीसी महिला। आपको बता दूं, वार्ड संख्या 8, 9, 10, 11, 18, 20 व 21 रहेंगे एससी। साथ ही साथ वार्ड संख्या 12, 17, 19 व 7 रहेंगे एससी महिला। आपको बता दूं, वार्ड संख्या 1 एसटी व 27 व एसटी महिला रहेंगे शामिल। आइए एक नजर डालते हैं आईपीएल की ओर। आपको बता दूं कि कल एक बेहद रोमांचक मैच में बेंगलोर ने कोलकाता को 82 रनों से हरा दिया। साथ ही आपको बता दूं कि बेंगलोर के लिए एबी डिविलियर्स की पारी बहुत ही अहम रही। एबी डिविलियर्स ने 33 बॉलों पर 73 रन का शानदार स्कोर खड़ा किया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने एबी डिविलियर्स की 33 गेंद में 73 रन की ताबड़तोड़ पारी के बाद में शानदार गेंदबाजी से सोमवार को इंडियन प्रीमियर लीग मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स को 82 रन से मात दे दी। आरसीबी इस सीरीज से 7 मैचों में 10 अंक लेकर पॉइंट टेबल में तीसरे स्थान पर पहुंच गई है, जबकि कप्तान दिनेश कार्तिक की टीम ने इतने ही मैचों में 8 अंक लिए हैं और वह चौथे स्थान पर खिसक गई। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने के लिए रॉयल आरसीबी ने डिविलियर्स और कप्तान विराट कोहली के साथ उनकी तीसरे विकेट के लिए 7.4 ओवर में नाबाद 100 रन की साझेदारी की और 2 विकेट पर 194 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। इसके जवाब में केकेआर की टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 112 रन ही बना सकी। दौसा जिले से बड़ी खबर सामने आई। आपको बता दूं कि लालसोट नगर पालिका के 35 वार्डों की लॉटरी निकाली गई। जी हाँ, लालसोट नगर पालिका के 35 वार्डों की लॉटरी निकाली गई। आपको बता दूँ, वार्ड संख्या 31, 35, 33, 15, 34, 21, 23 व 12 वार्ड सामान्य महिला के लिए निकाला गया। साथ ही साथ वार्ड संख्या 1, 5, 8, 10, 14, 16, 17, 18, 22, 24, 25, 26, 27, 28 व 30 रहेंगे सामान्य वार्ड। साथ ही वार्ड संख्या 7 व 9 रहेंगे ओबीसी महिला वार्ड। साथ ही साथ आपको बता दूं कि वार्ड संख्या 20, 13, 32, 4 वह 19 रहेंगे ओबीसी के लिए। साथ ही साथ वार्ड संख्या 2, 3, 29 एससी वह वार्ड संख्या 11 एससी महिला, वार्ड संख्या 6 रहेंगे एसटी वार्ड। आइए एक नज़र डालते हैं खास खबर की ओर। आपको बता दूं कि प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल एसएमएस को कोविड सेंटर बनाने के लिए सरकार ने मंजूरी नहीं दी। सरकार ने कहा है कि एसएमएस के अंदर 80% बाहर से ऐसे लोग भी आते हैं जिनका किसी और बीमारी के कारण इलाज किया जाता है। प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एसएमएस को कोविड सेंटर बनाने में से राज्य सरकार ने साफ साफ इनकार कर दिया। राजस्थान सरकार में राज्य सरकार की ओर से पेश किए गए जवाब में सरकार ने कहा है कि
कोविड मरीजों के लिए राज्य के 90% अन्य बीमारियों के मरीजों को जोखिम में नहीं डाला जा सकता। राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा मामले में स्वप्रेरणा प्रसंज्ञान से दायर जनहित याचिका में सरकार की ओर से 66 पेज का जवाब पेश किया गया है। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने राज्य सरकार से SMS को कोविड सेंटर बनाने को लेकर जवाब मांगा था, जिसमें सरकार ने साफ तौर पर SMS अस्पताल में कोविड मरीजों का इलाज करने से इनकार करते हुए कहा कि प्रदेश में आने वाले कुल मरीजों में केवल 5% कोविड संक्रमित हैं, इनमें भी 2% को ही भर्ती की आवश्यकता होती है। ऐसे में अन्य मरीजों के इलाज को ध्यान में रखते हुए SMS में कोविड मरीजों को भर्ती करना और इलाज संभव नहीं है। अस्पतालों में बेड और वेंटिलेटर नहीं होने की बात भी सरकार गलत साबित कर रही है। दौसा जिले से बड़ी खबर सामने आई, आपको बता दें कि उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा आज नहीं करेंगे जन सुनवाई। जी हां, उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा आज जन सुनवाई नहीं करेंगे। आपको बता दूं कि आज SDM कार्यालय में उद्योग मंत्री की जन सुनवाई होनी थी, लेकिन वह आज नहीं होगी। साथ ही नगर पालिका में लॉटरी के चलते आज उपखंड रामगढ़ पचवारा पर नहीं हो सकेगी जन सुनवाई। जी हां, नगर पालिका में लॉटरी के चलते जन सुनवाई नहीं की जाएगी। साथ ही साथ कैबिनेट की बैठक चलने के कारण भी जन सुनवाई को टाला गया है। आपको बता दूं, उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने दूरभाष पर यह जानकारी दी। आइए एक नजर डालते हैं कोरोना वायरस की ओर। आपको बता दूं, कोरोना देश लाइव के अंदर अब तक 71,75,882 नए मामले सामने आ गए हैं, लेकिन आपको बता दूं कि पिछले 24 घंटों के अनुसार 55,342 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही रिकवरी रेट बढ़कर के 85% तक हो चुकी है। आपको बता दूं कि पिछले 24 घंटों में सही हुए लोगों की संख्या 78,194 है। इसी तरह से यदि रिकवरी रेट अच्छी रही तो कोरोना से जल्द ही भारत को छुटकारा मिल जाएगा। कोरोना देश लाइव में आपको बता दूं कि वायरस से संक्रमितों का आंकड़ा 71,75,881 हो गया। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 55,342 नए केस मिले। वहीं इसी दौरान 78,194 मरीज ठीक भी हुए और 706 लोगों ने दम तोड़ दिया। इसके साथ कोरोना से अब तक दम तोड़ने वाले लोगों की संख्या 109,856 तक पहुंच चुकी है। अब तक 62,27,296 मरीज ठीक भी हो चुके। रिकवरी का आंकड़ा बढ़ने से एक्टिव केस भी कम हो रहे हैं। बीते 26 दिनों में से 15% की गिरावरी आई है। ये 16 सितंबर को 10.17 लाख के पीक पर थे, जो अब 8.37 लाख पर पहुंच गए हैं। भारत में रिकवरी रेट 85% है, यानी कि कुल संक्रमितों में से 62 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। आइए एक नज़र डालते हैं फुलेरा की ओर। आपको बता दूं कि फुलेरा के अंदर नगर पालिका की आरक्षण लॉटरी जिला कलेक्ट्रेट सभागार जयपुर में निकाली गई। फुलेरा के अंदर हाल ही में हुए पंचायत चुनाव के बाद अब नगर पालिका के चुनावों की सरगर्मियां तेज होती हुई नजर आ रही हैं, जिसके चलते मंगलवार को जिला कलेक्टर जयपुर के सभागार में फुलेरा के 25 वार्डों में होने वाले चुनाव की आरक्षण लॉटरी निकाली गई, जिसमें सामान्य पुरुष वार्ड नंबर 1, 3, 4, 10, 15, 16, 18, 24 व 25, सामान्य महिला वार्ड नंबर 9, 11, 17 व 22, OBC पुरुष वार्ड नंबर 8, 12 व 23, OBC महिला वार्ड 5 व 19, SC पुरुष 2, 6, 7 व 20 और SC महिला वार्ड 13 व 21 तथा ST के लिए एकमात्र वार्ड नंबर 14 की लॉटरी निकाली गई। आइए एक नज़र डालते हैं दौसा जिले की ओर। आपको बता दें, दौसा जिले के बांदीकुई के ग्राम पंचायत निहालपुरा में बेजूपाड़ा पंचायत समिति के नव निर्वाचित सरपंचों का स्वागत कार्यक्रम में विधायक GR घटाने ने कहा कि सेवा भाव व ईमानदारी से कार्य करें। दौसा जिले के बांदीकुई के ग्राम पंचायत निहालपुरा में बैजूपाड़ा पंचायत समिति के नव निर्वाचित सरपंचों के स्वागत कार्यक्रम में बांदीकुई के लोकप्रिय विधायक आदरणीय GR घटाना ने कहा कि आप सभी जनप्रतिनिधियों को सेवा भाव से ईमानदारी के साथ में कार्य करना चाहिए, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो सके। वहीं प्रयास भी किया वह सचिन पायलट को धन्यवाद भी दिया, जिन्होंने उनकी मांगों को माना और बेजूपाड़ा व बसवा को नई पंचायत समिति बनवाया। वहीं बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र में 14 नई ग्राम पंचायत बनवाई हैं, जिससे कि ग्रामीणों का इलाकों में ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सके, क्योंकि निश्चित रूप से जब ज़्यादा नई पंचायत बनी है तो ग्रामीण क्षेत्रों का ज़्यादा विकास होगा। वहीं पहले बड़ी पंचायत थी, उनमें विकास कार्य ठीक ढंग से नहीं हो रहा था, पर अब छोटी पंचायत बनाने से पंचायतों में ज़्यादा विकास कार्य होंगे। साथ ही
मैं मेरी ओर से विकास कार्य में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। वहीं विधायक घटाना ने नवनिर्वाचित सभी जनप्रतिनिधियों को शुभकामनाएं भी दी हैं। इस दौरान निहालपुरा सरपंच भागंती देवी ढिकारिया, भीम सरपंच पिस्ता देवी गोलाड़ा, सरपंच सीमा देवी बिवाई, सरपंच विनोद मीणा नांगल झामरावाड़ा, सरपंच राजरानी कांजी पटेल सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। आइए एक नज़र डालते हैं दौसा जिले की ओर। आपको बता दूं कि दौसा जिले में नगर परिषद के वार्डों का आरक्षण लॉटरी निकाली गई, साथ ही यह लॉटरी कलेक्टेड सभागार में निकाली गई। पंचायत चुनाव के बाद अब नगर निकाय चुनाव के चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। दौसा कलेक्टर सभागार में जिला कलेक्टर की मौजूदगी में दौसा नगर परिषद के 55 वार्डों की आरक्षण लॉटरी में OBC सामान्य के 12 वार्ड आरक्षित हुए हैं, जिनमें वार्ड नंबर 1, 2, 3, 13, 15, 17, 20, 26, 29, 30, 40, 51 आरक्षित हुए। OBC महिला के लिए 4 वार्ड नंबर 3, 20, 26, 51 आरक्षित हैं। वहीं सामान्य महिला के लिए 6, 8, 12, 46, 24, 32, 44, 45, 50 आरक्षित हुए हैं। अनुसूचित जाति के लिए 5, 23, 24, 27, 28, 31, 36, 37, 39, 42 के लिए आरक्षित हैं। तो वहीं अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित वार्डों में 31, 36, 42 हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए वार्ड नंबर 4, 48, 52, 53, 54 तो अनुसूचित जनजाति के लिए महिला के लिए वार्ड 53 और 54 सीट हुए हैं। इस अवसर पर जिला कलेक्टर पीयूष समारिया, अतिरिक्त जिला कलेक्टर लोकेश कुमार मीणा सहित सभी राजनीतिक दलों के लोग मौजूद रहे। आइए एक नजर डालते हैं 12 जिले की ओर। आपको बता दूं कि 12 जिले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 किलो 300 ग्राम गांजा बरामद किया है, साथ ही एक अभियुक्त को गिरफ्तार भी किया गया। 12 जिले में पुलिस द्वारा वैध मादक पदार्थ के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया रखा है। आपको बता दूं इस पर थानाधिकारी हरनाव दास शाहजी द्वारा कार्यवाही करते हुए 6 किलो 300 ग्राम गांजा सहित एक अभियुक्त को गिरफ्तार भी किया गया। पुलिस अधीक्षक 12 डॉक्टर रवि ने मादक पदार्थों के विरुद्ध विशेष कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे। हरनावदा शाहजी पुलिस ने गांव लक्ष्मीपुरा में गश्त के दौरान मुलजिम बापूलाल मीणा को गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से 6 किलो 300 ग्राम गांजा बरामद भी किया गया है। मुलजिम मादक पदार्थ स्थानीय गांजा पीने वालों को सप्लाई करते हैं। मादक पदार्थ गांजा की तस्करी में संलिप्त अन्य अभियुक्तों के बारे में अनुसंधान किया जा रहा है। 12 पुलिस का मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। श्रीमान SP साहब ने मादक पदार्थ की तस्करी में लिप्त लोगों के लिए विशेष अभियान चला रखा है। इस अभियान के तहत विशेष विजय स्वर्णकार जी एडल साहब के निर्देशन में CO साहब छबड़ा द्वारा एक विशेष टीम गठित कर रखी है। कल दिनांक को गश्त के दौरान मुझे सूचना मिली कि गांव लक्ष्मीपुरा में बापूलाल मीणा पुत्र बद्रीलाल ने अपने मकान के पीछे बाड़े में गांजे की खेती कर रखी है। इस सूचना पर मैं जाप्ता श्री भगवान सिंह देसाई, मोहनलाल राजकुमार और अन्य जाप्ते के साथ गांव में पहुंचा तो वहां ये बापूलाल मौजूद मिला। बापूलाल की निशानदेही से वो बाड़े में जो पेड़ उग रहे थे गांजे के, जो बिल्कुल पकने पर थे, करीब 21 पेड़ जो बिल्कुल गांजा का रूप ले चुके थे, उनको बरामद किया। मौके पे उनका तोला 6.5 किलो वजन हुआ। इस प्रकार 6.5 किलो गांजा इसके कब्जे से बरामद किया है। वापसी पे मौके पे ही सारी कार्रवाई की। वापसी पे NDPS एक्ट में प्रकरण दर्ज कर लिया है, जिसका अनुसंधान थानाधिकारी सार्थक को सौंप दिया गया है। आइए एक नजर डालते हैं दौसा जिले की ओर। आपको बता दूं कि दौसा जिले में आशा सहयोगियों ने राज्य कर्मचारियों का दर्जा मांगा है। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय लालसोट पर आशा सहयोगियों ने राज्य कर्मचारी का दर्जा देने की मांग को लेकर के सोमवार को मुख्यमंत्री के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा है। लालसोट ब्लॉक की आशा सहयोगियों ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कहा
कि 2018 में घोषणा पत्र में कांग्रेस ने आशा सहयोगिनियों को नियमित राज्य कर्मचारी का दर्जा देने का वादा किया था, लेकिन सरकार बनने के 2 वर्ष बाद भी अपना वादा पूरा नहीं किया। ऐसे में आशा सहयोगिनियों को जल्द से जल्द राज्य कर्मचारियों का दर्जा देकर के 18,000 प्रतिमाह मानदेय किया जाए, सहयोगिनियों को 2 विभागों में नहीं रखकर एक ही विभाग में कार्यरत रखा जाए, भुगतान भी एक ही मुश्त किया जाए, साथ ही 5 वर्ष का अनुभव पूरा होने पर NM का दर्जा भी दिया जाए, साथ ही मोबाइल रिचार्ज इंटरनेट आदि की सुविधाएं भी दी जाए। साथ ही उन्होंने बताया कि कोरोना जैसी महामारी में अपने बच्चों को छोड़कर घर घर का सर्वे किया, मगर सरकार खतरों से खेलने वाली आशा सहयोगिनियों को नियमित राज्य कर्मचारी का दर्जा देने का वादा कर भूल रही है। ज्ञापन के दौरान राधा शर्मा, चौथी सैनी, गायत्री शर्मा, अनीता सैनी, राजू सैनी, मुकनी मीना, लाखनती मीना, चंद्रकांता, मीना सैनी सहित अनेक आशा सहयोगिनियों ने ज्ञापन दिया। ये बहुत अधिक कार्य करवाया जा रहा है और हमारा मानदेय अत्यंत अल्प है और दोनों डिपार्टमेंटों का हम पे काम करवाया जा रहा है। यहाँ से लेके एक महिला बाल विकास में पूरी वार्ड का, पूरे फील्ड का ध्यान रखना पड़ता है हमको। एक बच्चे के जन्म से लेके उसकी शादी के बाद में उसके बच्चे तक हमको ध्यान रखना पड़ता है। और वार्ड में TB का पेशेंट है, मलेरिया का, डेंगू का, एड्स वगैरह जितने भी पेशेंट है, मोतिया बिंद है वगैरह, उनका सबका हमको एक एक का ध्यान रखना पड़ता है। दो विभागों का हम पे कार्य करवाया जा रहा है। मेडिकल विभाग में भी हम पे बहुत सारा, कभी ये करो कभी ऑनलाइन सर्वे का काम करवाया जा रहा है, जबकि हमारा मानदेय इतना अल्प है जिसका कोई आदेश नहीं है हमारे पास कि ये काम आपको करना है। बस एक बार कह दिया और काम करना है तो करना ही है, नहीं करते हैं तो बार बार नोटिस की धमकी देते हैं हमको। सही बोलो मुख्यमंत्री जी के पास। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि हमारी मांगों पर ध्यान दिया जाए और हमारा अमासा बहनों को इन हमारा मानदेय बढ़ाया जाए और हमको 3rd grade के टीचर के बराबर हमारी वेतन बढ़ाया जाए। कोरोना देश लाइव में आपको बता दूं कि एक्टिव केस में 21 दिन की सबसे बड़ी गिरावट, 24 घंटे में करीब 25,000 केस कम हुए हैं, अब तक कुल 71.73 लाख केस। फिल्म इंडस्ट्री की बनाम न्यूज चैनल्स, शाहरुख खान, सलमान खान, करण और आमिर समेत 34 फिल्म प्रोड्यूसर ने लगाई है हाई कोर्ट में पिटीशन, लिखा बॉलीवुड को बदनाम करने से रोका जाए। सुशांत केस में आपको बता दूं कि रिया ने अपनी पड़ोसन के खिलाफ कार्रवाई के लिए CBI को पत्र लिखा है। उन्होंने सुशांत और एक्ट्रेस के बीच 13 जून को मुलाकात का किया था दावा। IPL में आज हैदराबाद चेन्नई आमने सामने होंगी। सीजन में 2 टीमों के बीच दोबारा मुकाबले आज से शुरू। सनराइजर्स से पिछले मैच में मिली हार का बदला लेने उतरेगी सुपर किंग्स। बेंगलोर ने कोलकाता को कल 82 रन से हराया। KKR के खिलाफ RCB की सबसे बड़ी जीत। पॉइंट्स टेबल में टॉप 3 में कप्तान कार्तिक समेत 8 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके।